और आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा पूरा सेटअप का खर्चा कितना हुआ, वो सारे चीज मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो मैं अपने दादी के घर आया हूँ और यहाँ पर वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। हालांकि थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि गाइस अभी है ना कि ऐसा सीन चल रहा है कि मेरा तबीयत थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है कुछ दिनों से, और उसी दिन से मैं जल्दी जल्दी सुबह उठ नहीं पा रहा हूँ और ट्यूशन पढ़ाने भी थोड़ा सा लेट जा रहा हूँ और आने में भी थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो उसी दिन से पूरा दिन बिजी रहने के कारण ना वीडियो में इस बीच मैं बना नहीं पाया। तो आज मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ और आज ही कोशिश करूँगा अपलोड करने का। और डायलॉग बोलने से पहले क्या बताओ यार, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि डायलॉग बोलने से पहले आप लोगों को ये बता देता हूँ, लेकिन डायलॉग बोलना ही मैं भूल ही गया। तो तहे दिल से मैं आप लोगों को शुक्रिया बोलना चाहता हूँ क्योंकि गाइस इतना ज़्यादा प्यार बरसाया आप लोगों ने मेरे वीडियोज़ पे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा गाइस। तो बस ऐसे मेरे साथ बने रहना, ऐसे ही मेरे वीडियोज़ को प्यार देते रहना ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ला पाऊँ और आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। तो मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होगा यार, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अभी टाइम देख लेते कितना हो रहा है। तो अभी टाइम हो रहा है 10:36। सो व्हाट्स योर वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं दोस्तों ऑल ओवर होप करता हूँ सुमित्रा बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो कोशिश करूँगा गाइस कि आज ही वीडियो अपलोड करने का। तो अभी फिलहाल के लिए आप लोग छोटा मोटा सिनेमेटिक शॉट एंजॉय करो और फिर उसके बाद मिलते हैं खाने के बाद, ठीक है ना। कैसा लगा सिनेमेटिक शॉट, उम्मीद करूंगा थोड़ा बहुत आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करके बताना कि आप लोग को अच्छा लगा। और साइड में स्कूल खुल गया है तो बच्चे लोग थोड़ा सा खेल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उस रीज से थोड़ा बहुत आप लोग को साउंड सुनाई देगा आसपास से। और चेंज कर लिया है मैंने वो वाला टी शर्ट पर, थोड़ा गर्मी लग रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा पसीना पसीना हो गया था ना गर्मी में, उसी दिन से मैंने चेंज किया है। और अभी फिलहाल के लिए घर जाऊंगा खाना वाना खा के फिर कंटिन्यू करूंगा। और आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा पूरा सेटअप का खर्चा कितना हुआ, वो सारे चीज मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर बाद अपने साथ। अभी टाइम हो रहा है 2:05। तो थोड़ा सा बिजी था उसी दिन से थोड़ा सा लेट हो गया ये वाला क्लिप शूट करने में, तो आई एम सॉरी। और गाइस आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ मेरा मोटो ब्लॉगिंग का पूरा जो सेटअप था, वो सेटअप का कितना खर्चा पड़ा मुझे, वो सारी कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो पहले एक्सेसरीज से शुरू करते हैं ना। तो पहले एक्सेसरीज में आता है कि चिन माउंट का जो प्राइस है वो है 500 रुपये। जो लिया था मैंने फ्लिपकार्ट से वो था एक्शन प्रो का, और फिर उसके बाद जो चिन माउंट और गोप्रो को अटैच करता है जो किट माउंट था उसको मैंने परचेस किया था 254 रुपीज, वो भी एक्शन प्रो का ही था। और एक स्क्रू मैंने लिया था, वो स्क्रू था कितना स्क्रू लिया था, हालांकि स्क्रू आता है गोप्रो के साथ ही, फिर भी मैंने एक्स्ट्रा से परचेस किया था क्योंकि मैंने मोबाइल मोटो ब्लॉगिंग सेटअप भी बनाया था। तो उसी दिन से मैंने पहले ही उसको परचेस कर लिया था, वो आया था 140 के आसपास। और एक जी माउंट भी मैंने लिया था, वो भी ऐसा ही कुछ 150 रुपये के आसपास ही आया था। तो ये गया जी माउंट, स्क्रू, चिन माउंट, और फिर उसके बाद आता है माउनो का माइक। माउनो का माइक मुझे पड़ा 407 रुपये, वो भी मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया था। और फिर उसके बाद आता है कि गाइस मोटो ब्लॉगिंग केस और गोप्रो एडाप्टर मैंने अमेजोन से परचेस किया था। तो गोप्रो का जो एडाप्टर है वो मुझे पड़ा 3699 रुपये, मतलब 3700 रुपये। हालांकि तब ऑफर मिल रहा था उसी दिन से मैंने परचेस कर लिया, अभी तो मतलब आउट ऑफ स्टॉक है और जब ये स्टॉक ही नहीं होता है तो प्राइस रहता है 4500-4800, कभी 5000, ऐसा ही रहता है। और अगर आप लोग ऑफलाइन लेते हो तो शायद से वैसे कम कुछ प्राइस में आप लोग को मिल जाएगा।
हालांकि हमारे इधर तो मिलता नहीं उसने, से मुझे ऑनलाइन से परचेज करना पड़ा। और साथ ही साथ गाइस जो मोटो ब्लॉगिंग केस होता है वो मैंने लिया था उड़ान जी का, पहले तो मतलब गलत प्रोडक्ट आया था, फिर मैंने रिप्लेस करके लिया और प्राइस पड़ा मुझे 1380 रुपये। तो ये मेरा गया पूरा एक्सेसरीज, ये एक्सेसरीज गया। अभी मैं आता हूँ गोप्रो में। गोप्रो मैं जब लिया था तब दुर्गा पूजा के टाइम था, उस टाइम ऑफर चल रहा था ग्रेट इंडियन सेल का, तो बहुत ही बढ़िया ऑफर था, 27,000 समथिंग ऐसे कुछ मतलब प्राइस था गोप्रो 8 का। और साथ ही साथ मैंने कॉम्बो पैक इसी दिन से लिया, क्योंकि कॉम्बो पैक में मुझे एक्स्ट्रा बैटरी और चार्जर मिल रहा था, उसी दिन से मैंने ले लिया, नहीं तो मुझे और फिर से एक्स्ट्रा करके खरीदना पड़ता, उसी दिन से मैंने कॉम्बो पैक ही परचेस कर लिया। तो टोटल गोप्रो का ये कॉम्बो पैक का मुझे प्राइस पड़ा 31,980 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट आप लोग 32,000 ही पकड़ लीजिए। तो अभी कैलकुलेशन करते हैं कितना हुआ है। इधर होता है 254 प्लस 407 प्लस फिर उसके बाद आता है 140 प्लस 150 प्लस 1380 प्लस 3700 रुपये और प्लस 500 रुपये, ये टोटल एक्सरसाइज का हो गया 6531 रुपये। अगर कुछ इधर उधर हो गया तो प्लीज मैनेज कर लेना। और अभी मैं गोप्रो का इक्वल करता हूँ गोप्रो का प्राइस, तो 32,000 टोटल मेरा खर्चा हुआ 38,531 रुपये, ये मेरा टोटल खर्चा हुआ। और बाकी तो इधर एसडी कार्ड है, पेन ड्राइव है, क्योंकि मैंने हार्ड डिस्क अभी तक लिया नहीं, क्योंकि इस साइड खर्चा हो रहा था उसी से मैं ले नहीं पाया हार्ड डिस्क अभी तक, तो हालांकि मैं ले लूंगा जल्दी से जल्दी। और उम्मीद कर रहा हूँ गाइस कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेरा ये पूरा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप का खर्चा कितना आया। देखो गाइस अगर आप लोग ये ऑफलाइन से परचेस करते हो तो थोड़ा बहुत आप लोगों को कम में मिल जाएगा, अगर ऑनलाइन से परचेस करते हो थोड़ा सा ऑनलाइन में प्राइस ज़्यादा दिखाता है, इसी से मेरा प्राइस इतना ज़्यादा पड़ गया, नहीं तो अगर ऑफलाइन से परचेस करता ऑलमोस्ट 35-36 के आसपास मेरा हो जाता काम बन जाता। कोई बात नहीं, मुझे वीडियोग्राफी का शौक है, ब्लॉगिंग का शौक है, अच्छा लगता है मुझे ब्लॉगिंग करने का, उसी से मैंने इन्वेस्ट कर लिया धीरे 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 करके। और तहे दिल से सॉरी गाइस आज आप लोगों को मोटो ब्लॉगिंग देखने को नहीं मिला, मैं नेक्स्ट वीडियो पे जरूर से जरूर आप लोगों के साथ मोटो ब्लॉगिंग शेयर करूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि गाइस आप लोगों को मोटो ब्लॉगिंग अच्छा लग रहा है, और साथ ही साथ गाइस मैं आप लोगों के साथ और भी चीज़ें धीरे धीरे शेयर करता रहूँगा कि कैसे मोटो ब्लॉगिंग करना है, क्योंकि मैं खुद ही अभी सीख रहा हूँ गाइस की इसके, तो मैं आप लोगों को कैसे सिखाऊँ, अभी मैं थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाऊँ फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि कैसे मोटो ब्लॉगिंग करना है, और फिर उसके बाद कैसे कहाँ माइक रखना है और कैसे मुंजलस आए या ना आए वो सारे कुछ मतलब कैसे मैनेज करना है सारे कुछ मैं धीरे धीरे करके आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। और धीरे धीरे मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब कुछ दिन बाद हमारा राइड भी आने वाला है, दूसरे से अगर राइड पे जाके घूमने जाते हुए मैं आप लोगों के साथ अच्छी तरह कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर नहीं पाया तो मतलब मुझे भी खराब लगेगा, है ना। ठीक है गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, यहीं पर ही खत्म करते हैं। अगर मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, साथ ही साथ चैनल पर नया आया तो सब्सक्राइब भी करना, उसके पास जो बेल बटन है उससे भी प्रेस करना, मुक्का मार के करो या करो जो भी करो क्रिएटिव प्रेस जरूर से जरूर करना, ताकि मेरे वीडियो के अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। तो जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।